अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़िंदगी में इतने अच्छे दिन देखे, लेकिन मेरी किस्मत में मैं आपको एक हकीकत रख रहा हूँ, सिवाय मायूसियों के आज भी मेरी बड़ी मायूसी यही है कि मेरे पैगाम को दुनिया हकीर हिकारत से देख रही और थूक दे रही मेरे ऊपर कि मैं सच बता रहा हूँ और उनको सच नहीं चाहिए। यही एक मैं गवाही दे रहा हूँ, शहादत दे रहा हूँ, मैं विटनेस दे रहा हूँ, मैं आपको प्रूफ कर रहा हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच हो रहा। मैंने बताया कि अगर से कोई आदमी, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, अल्लाह मैं शैतान से बचकर बात कर रहा हूँ और ये मेरा जो वीडियो देख के मेरे को थम्स डाउन करेगा, इससे मैं घबराऊंगा नहीं, इस वास्ते कि मैंने देखा कि किरात सऊदी में कुरान जो होती है, तिलावत होती है मक्का के अंदर, वो जो किरात लाइव आती है हर महीने लाइव बोल के, उसमें भी थम्स डाउन देखा मैंने लोगों के। जब अल्लाह के कलाम कोई थम्स डाउन करे और अल्लाह के दीन को रिजेक्ट करके इस्लामी अच्छी बातों को भी लोग थम्स डाउन करे, जैसे एक लड़की है सरदार थी कुड़ी नाम से वीडियो बनाती थी, अब वो मुसलमान होगी नहीं मालूम, बहरहाल वो इस्लामी मिराकल्स के वीडियो बनाती, उसके अंदर भी थम्स डाउन देखे मैंने। तो कोई क्यों ना बनाए, थम्स डाउन होता है, गाली भी देते हैं। तो इससे मुझे एक बात का अंदाज़ा हुआ कि इंसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पहचानने जा रहा। क्यों? कि दुनिया के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए हर बीमारी की दवा है, ये आपको हिंदू गार्ड देके नहीं गया बात, और क्रिश्चियनों का जीसस नहीं थे, क्रिश्चियनों का जीसस याद रहे, ये ईसा अलैहि सलाम नहीं है कुरान वाले, ये क्रिश्चियन जो अपने से बना लिए बेटा और खुदा, वो इनको कोई भी इस तरह से बीमारी, हर बीमारी का इलाज है नहीं बताए उन्होंने, दावे से करूँ मैं आपको। दूसरा ये नहीं बोले कि प्लेग आया या कोरोना वायरस आ गया तो घर मत छोड़ना, उन्होंने नहीं बताया, जीसस बेटा जीसस खुदा ने बताए। इस वास्ते मैं एक मरहूम का एक वीडियो बनाया था, कैंसर से मरा नबील कुरैशी, लोग नबील कुरैशी के वीडियो अभी भी इस्लाम साइट पे उसका एक बयान है, अभी भी विटनेस के लिए दे रहा हूँ मैं आपको, आप अगर इस्लाम बोल के डालेंगे यूट्यूब पर तो उसमें एक 2 मिनट का एक वीडियो है, खुदा सुन रहा बोला उन्हें, मगर वो खुदा सुन रहा ये भूल गया कि खुदा को देखा नहीं, खुदा सुन रहा बोला हो वो वीडियो में, अच्छा गौर से सुनो, मैं उसका दुश्मन नहीं हूँ, ये अल्लाह के ऊपर है कि क्रिश्चियन को भी माफ़ कर दे, जूश को भी माफ़ कर दे, क्योंकि ये अहले किताब है, मैं उसका दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन गौर करो, खुदा सुन रहा बोला उन्हें और इन्हें ये भूल रहा कि खुदा कह रहा है कि मैंने ईसा को पैदा किया, ये भूल गया हूँ। अब क्रिश्चियनों को मैं अगर से बोलूं कि तुम्हारे को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है तुम्हारी दवा का, क्योंकि सड़ी बीमारी आ रही, इंसान मर जा रहा, ये जो है 2000 साल के बाद से अब तक अजाब, लाखों करोड़ों अरबों खरबों लोग मर गए ये बीमारियों के जो है शिकार होके, कोई नहीं है ईसा ईसा अलैहि सलाम के पास, सिर्फ कुरान कह रहा है कि मैंने ईसा को पैदा किया, सुन रहा ये नबी कुरैशी मगर नहीं पहचान सका, मर गया कैंसर से। क्रिश्चियन अब सुन रहा ईसा अलैहि सलाम कोई दवा नहीं देंगे, लेकिन 1,40,000 1 लाख लोग क्रिश्चियन मरे, वाइट लोग मर गए, और हिंदू बोल रहा कि ये कोरोना मुसलमानों से फैलता है इंडिया में। इतनी बदकिस्मती है कि ये वीडियो वायरस नहीं हो सकते मेरे, खास करके जो है मेरे मुसलमान, अब रमज़ान भी आ रहा घर पे है, लेकिन ये वायरल नहीं करेंगे मेरे वीडियो को। तुम चाहे तो गौर करो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे कि जी बीमारी का इलाज है सिवाय मौत के कलौंजी कोई नहीं खाना चाहता, बीमारी का इलाज है मैंने बताया गर्म पानी नींबू के साथ, कोई भी जो है वो वीडियो नहीं देखना चाहता, बीमारी का इलाज है डिकाशन पियो नींबू डाल के, ये कोई नहीं प्रैक्टिस करना चाहता, सुलेमानी डिकाशन बना के काली चाय बना के बगैर दूध के,
बीमारी का इलाज है रब इन्नी रब्बी मगलूब फंतसिरू, बीमारी का इलाज है फल्लाह खैर हाफिजा वह अरहम राहिमीन 11 बार पढ़ना है, बीमारी का इलाज है सुबह में आप आयतुल कुर्सी पढ़ लेना है, शाम तक तुम्हारे की हिफाजत, शाम में फिर पढ़ लेना है, बीमारी का इलाज है 3 बार सूरह यासिन पढ़ना है। इस तरह से चैलेंजेस मैं दे रहा हूँ, सूरह फातिहा 7 बार पढ़ना है, सूरह रहमान 7 बार पढ़ना है, आयतुल अजीज 7 बार पढ़ना है। जब तुमको जिंदा रहना है तो ये अमल करना पड़ेगा। लेकिन इंसान काहिल है, नफ्स के एतबार से जीता है, इस वास्ते दुनिया में ही जो है इंटरटेनमेंट निकाल लिया, मूवीज बनाया, ब्रॉडवे शो बनाया, जो है सीरीज बना रहा, सीरीज का आम हो गया, शॉर्ट फिल्मों का आम हो गया, पोर्न फिल्मों का आम हो गया, कॉमेडी का आम हो गया, गानों का जो मूसीकी का आम हो गया। इंसान को दुनिया में इंटरटेनमेंट चाहिए, इससे रुक जाने के लिए अल्लाह कहा तुम्हारा फ़ायदा है बोला, शराब मत पियो तुम्हारा जो है लीवर ख़राब हो जाएगा बोला, सिगरेट मत पियो तुम्हारे ये सब खराब हो जाएंगे बोला। हिस्सा देख रहे भी गुटखा खाने वालों के मिसाल भी आ रही, बताया जा रहा भी, जुआ मत खेलो, हरामकारी मत करो, वायरस एड्स आएगा बताया। तो ये सारी बातें इंसान भूल के इस वास्ते जीना चाह रहा कि दुनिया में इंटरटेनमेंट है, खुदा नहीं है, कोई नबी नहीं आया, कोई किताब सही नहीं है, किसी पे हमारा ईमान नहीं है, सच वक्त आ गया, इस वास्ते ये कोरोना वायरस आ गया, यकीन खत्म हो गया। जो यकीन करके जी लिए, प्रैक्टिस कर लिए, उन जन्नत उनकी घट हो गई, पक्की हो गई, मजबूत करके चले गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए दवा है कोई भी बीमारी की क्यों ना हो सिवाय मौत के, हर बीमारी के लिए दवा है बोले। आप बताओ ये दुनिया में कुरान नहीं पढ़ने की वजह से पूरी दुनिया जो है ये मर्ज में ऐसे तैर रही लाशों की तरह, जो समंदर में कोई बीमारियों से मर जाते हैं, या मछलियाँ कोई जो है वहाँ पर जहरीला बाम गिर जाता है तो ऊपर की पूरी आ जाती है तैरती हुई लाशें समंदर में, मछलियों की हो या इंसानों की, या तूफान आता है इंसान बह जाता है, हकीकत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ बता रहे कि तुम को दवा बनानी है, दुआ कर लेनी है, इससे महफूज है, मैं अब तक महफूज हूँ, मेरे को दुनिया में जीने की ख्वाहिश भी नहीं है, मैं मायूसियों से जी रहा हूँ क्योंकि मेरे वीडियो ही नहीं चलती, कोई अहमियत ही नहीं देना चाहता, कोई शेयर नहीं करना चाहता, जब घर में बैठा हुआ है तो भी वीडियो नहीं देख रहे मेरे, क्या वजह होंगी कि घर में बैठ के भी वीडियो नहीं देख रहा, जबकि क्या वजह होगी मैं रमजान के अंदर एक साल मैंने गिना 4 लाख लोग देखे, आज मेरे 100-1000 भी नहीं देख रहे लोग, 3 दिन से गिन रहा हूं सिर्फ 500 देख रहे हैं, क्या वजह होंगी, और मेरा वीडियो डालते ही सिर्फ 10 लोग देखते, उसके बाद देख रहा ही नहीं, क्या वजह होंगी कि मेरे वीडियो स्टक हो गए, क्या हक होगा जो मेरी जबान से निकल रहा और इंसान कबूल नहीं करना चाह रहा, यह क़यामत की बात नहीं तो क्या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए इंडिया में बोले चाइना से आया वो भूल गए, क्रिश्चियन सबसे ज्यादा मर गया, वाइट आदमी सबसे ज्यादा मर गया, लेकिन हिंदू बोरा मुसलमानों की वजह से हिंदू को तकलीफ दी जा रही, हिंदू तकलीफ दे रहा मुसलमान को। अमेरिका जैसे एडवांस कंट्री में कोई नहीं पूछ रहा डोनाल्ड ट्रंप से 40,000 मर गए तू क्या करा, लापरवाही करने वाले को कोई जो है इस्तीफा दे भी नहीं बोलते, सबको बेचैनी है कि हमारे पास अब खाना नहीं है, बेरोजगारी है, हम लोग जल्दी जो है इकॉनमी को अच्छा करने के लिए जॉब करना चाह रहे हैं बोल के बाहर आ गए, कल यहां पर दुनिया पूरी सड़कों पे थी, कई स्टेट में सड़कों में आ गए, हमको जॉब चाहिए, कोरोना आई डोंट केयर बोल रहे, मौत आई डोंट केयर बोल रहे, मर गए आई डोंट केयर बोल रहे, ये क्या है, कुरान नहीं पढ़ा, बदकिस्मती से क्रिश्चियन कुरान नहीं पढ़ा, मैं आपको बता रहा हूँ क्रिश्चियन की बदकिस्मती यह है कि वो ये नहीं समझा कि मरियम अलैहिस्सलाम दुनिया में है और उसी वक्त में यहीया अलैहिस्सलाम पैगंबर है और इनके पास जो सीजन नहीं है वो फल आए, मरियम अलैहिस्सलाम प्रेग्नेंट थे जब वो फल खा रही तो यहीया अलैहिस्सलाम पूछे ये फल तुम्हारे को किसने दिया, उन्होंने कहा मुझे अल्लाह ने दिया, और ये क्रिश्चियन कह रहा है जीसस गॉड है जबकि पेट में है, उन्होंने जीसस बेटा है जबकि पेट में है, वो उन्होंने देखा नहीं खुदा को और अल्लाह कह रहे हैं वो, और मरियम अलैहिस्सलाम आप गौर करो ये जूश है बोल रहे
जीसस, और ये जूश इनको एक्सेप्ट नहीं करे मरियम अलैहिस्सलाम को, बीच बोले नौजबिल्ला, हराम की औलाद है तेरे पेट में बोले नौजबिल्ला, एक हकीकत दे रहा हूं, वो भी इनकार करना चाहते। अगर जीसस वाकई इनको बचाने वाले होते, ये 2000 साल में कुत्ते की तरह इंसान बीमारियों से मर गया, एक बार आके नहीं बचा सके, सिर्फ ये मालूम है इनको कि जीसस मुर्दे को जिंदा करते, नो डाउट अल्लाह के हुक्म से बोले हुक्म बिस्मिल्लाह, जैसे गौसे आजम महबूब हुक्म बिस्मिल्लाह अल्लाह के हुक्म से उठ जाओ। कई वली अल्लाह हमारे साबित करके दिखाए, 1,25,000 हमारे वली अल्लाह इंडिया के अंदर ऐसे इंडिया को बचाए, आज इंडिया कब की बर्बाद हो जाता, गारत हो जाता बुत परस्ती की वजह से, सिर्फ आके बचाए इंडिया को और मरने वाले को बचाए, मर गए सवालों को उठाए जिंदा, नहीं मानना चाहते। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो जूश है, ना तो क्रिश्चियन है, ना तो हिंदू है, आज मैंने पुराने जमाने बुतपरस्त बोलते थे इनको मिडल ईस्ट में मक्का में, उनकी वालदा मुस्लिम है, इस वास्ते अल्लाह कुरान में चैलेंज से करा इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुस्लिम है, ना तो वो यहूदी है, ना जूश है, ना क्रिश्चियन, अल्लाह चैलेंज से करा ईसा अलैहिस्सलाम मुस्लिम है वो नमाज पढ़े, अल्लाह चैलेंज से करा ईसा अलैहिस्सलाम जो है मक्का में हज करे, मूसा अलैहिस्सलाम हज करे, अल्लाह चैलेंज से करा ये वजू करना तरीका अभी भी यहूदियों के पास है, अल्लाह चैलेंज से करा मैंने ईसा को पैदा किया, एक नबील कुरैशी मर गया कैंसर से, अभी भी उसका इस्लाम साइट पे एक वीडियो है, गार्ड सुन रहा बोल रहा, उन्हें गार्ड सुन रहा बोल के बता रहा, मगर यह भूल गया कि गार्ड कह रहा है कि मैंने ईसा को पैदा किया, ईसा अलैहिस्सलाम भी सुन रहे, गार्ड भी सुन रहा, अल्लाह देख रहा, यह भूल गया, मर गया कुफर पे, फिनार जानुम हो गया। अल्लाह लफ्ज खुद बाइबल में है अरबी काप्टिक क्रिश्चियनों के पास मिस्र में, मगर वो अल्लाह का इनकार करा, डायरेक्ट अल्लाह का इनकार करना क्या है, इसकी एक बहुत बड़ी निशानी है। एक दफा एक बादशाह के पास बहस हो रही थी इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की, तो एक वली अल्लाह के पास एक वली अल्लाह जैसा जो है आया मेक श्योर करने के इनो वली है या नहीं, तो जब मेक श्योर करने आया तो वली अल्लाह बोले तू कुफर पे मरेगा, तू काफिर मरेगा, उसको कह दिए, और वो ही काबिल आदमी क्रिश्चियन के दरबार में गया, इस्लाम की जो है एक से एक मिसाल देके क्रिश्चियनों को हराया। लेकिन महल में जब उसकी नज़र पड़ी एक खूबसूरत औरत पर, मालूम हुआ बादशाह की बेटी है, तो ये मुसलमान जो है अब तक जिसको वली अल्लाह ने कहा तू कुफर में मरेगा, वो बादशाह से बोला तेरी बेटी मेरे को पसंद है, क्या मैं उससे शादी कर सकता हूँ, उस बादशाह ने कहा तू इस्लाम छोड़ दे क्रिश्चियन हो जा, वो फौरन क्रिश्चियन हो गया, इस्लाम छोड़ दिया, काफिर हो गया। तो अल्लाह की लचक यहाँ है, कुरान कह रहा है कि क्रिश्चियन ये बोलेगा तू क्रिश्चियन हो जा, जूश ये बोलेगा तू जूश हो जा, बहुत बड़ी निशानी है अगर अकलमंद के लिए। अल्लाह बता रहा कि अल्लाह दिलों को टटोलने वाला है, इस वास्ते कह रहा है कि ये क्रिश्चियन बोलेगा तू मेरे जैसा हो जा, जूश बोलेगा तू मेरे जैसा हो जा, यही वो बात थी, इस वास्ते वो फौरन एक औरत के खातिर एक नफ्स के खातिर अल्लाह के दीन को छोड़ दिया, कुफ्र है ये अगर क्रिश्चियन होना, मगर हमारे मुसलमान समझते नहीं बात, क्योंकि पढ़े ही नहीं है, तालीम नहीं है। 1,00,000 लोग क्रिश्चियन मरे आज, 1,00,000 गोरे मरे, अमेरिका के अंदर काला मर्रा बोल रहे हैं, स्पेनिश मर्रा बोल रहे हैं, 1,00,000 यूरोप में मरे, इंडिया में मुसलमान कोरोना लाया बोल रहा, जबकि एक आया चाइना से, ये शैतान ने तो क्या है। अच्छा मैं अब एक खास बात बता के वीडियो खत्म कर दूं, आज एक जूम है एक सिस्टम, एक लैपटॉप पर एक आपके बड़े स्क्रीन पर टीवी के आप वक्ते वाहिद में 100 लोग बात कर सकते हैं, 100 लोग तबादला ख्याल कर सकते हैं, 100 लोग कन्वर्सेशन बातचीत कर सकते हैं। ये इंसान बना, क्या
क्या कोई खुदा हिंदू का इस तरह से बात करा पूरी दुनिया में, जबकि उन्होंने बोले बहुत सारे जो है उन्होंने आके बता के, अरे बता के गए नहीं, अब की बात कर, ये इंसान बना के 100 लोगों को वक्त में पूरी दुनिया से तेरे को बात करा के एक जगह जुड़वा जुड़ा के बता रहा। न हिंदू का खुदा ऐसा है, न क्रिश्चियन का। गौर करो ये टेक्नोलॉजी को, गौर करो ये वक्त को। और मैं जो बात बोला था कि जो है न्यूक्लियर यूज मत करना, जहर हो जाएगा पानी, हवा जहर हो जाएगी, आज स्पेन में पानी जहर हो गया बताए कोरोना वायरस की वजह से। वो कह रहे हैं वो सिर्फ सफाई के लिए पानी यूज़ करेंगे, पीना मत बुलाए। मेरी हर बात अल्लाह जानता है हक हो रही, लेकिन मेरे वीडियो नहीं चल रहे, मैं मायूस हूँ। मैं अल्लाह से मायूस इस वास्ते हूँ कि अल्लाह इतनी बड़ी कुदरत रखने वाला, जब पैगंबरों को भेजकर इस्लाम की दावत दिया 124,000 में, सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह तक कामयाब रहे, उनको भी थम्स डाउन करने वाले हैं हिंदू क्रिश्चियन जूश। मेरी भी तकदीर यही है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्रिश्चियन नहीं एक्सेप्ट किया, जूश नहीं करा, हिंदू भी नहीं करा। अल्लाह कंडीशन रखा, अल्लाह और मोहम्मद को मांगे माने तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलल्लाह पढ़े तो तुमको जन्नत है बोला। तो यहाँ थम्स डाउन और थम्स अप का भी चल रहा किस्सा। इस वास्ते मैंने देखा मक्के के अंदर तिलावत जो होती है उसमें भी थम्स डाउन के वीडियो तिलावत के बाद में करने वाले देखा, थम्स डाउन। एक अच्छे से अच्छा इस्लाम के जो है मिराकल्स का वीडियो बना दिए, कुड़ी नाम से सरदार है, वो बाद में मुसलमान होगी शायद, इंडिया की है या पंजाब की है, जो भी है, इंडिया पंजाब एक ही बात है, पाकिस्तान का भी पंजाब है, तो इंडिया की है वो कुड़ी की है। मिराकल्स के बताती है कुरान का हक होना, उसको भी थम्स डाउन करते हैं, तो अब शैतान नहीं तो क्या है। किसी को ये अभी तक समझ में नहीं आया, 4 महीने में एक भी दवा ऐसी नहीं आई जो फौरन जो है आपको बीमारी से निकाल दे। लेकिन बचाओ, सेफ साइड, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए कि हर बीमारी की इलाज है, जिसमें मैं बता डिकॉशन पियो, जिसमें मैं बता गर्म पानी में नींबू डाल के पियो, जिसमें मैं बता कलौंजी खाओ, जिसमें मैं बता दुआओं से अपने आप को जो है सेफ कर लो।